नमस्कार, जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, है ना। हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा था एल्किन्स, एल्केन्स और एल्काइन्स के जनरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, बात देखिए, आपको मैंने बताया था कि बच्चे जो कार्बन्स की हम सीरीज की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, अगर एक कार्बन होता है, ठीक है, तो उसका नाम स्टार्ट होता है मैथ से, MeTH मैथ। ठीक है, अगर एक कार्बन होगा तो क्या होगा, मैथ होगा। और मैथ की अगर हम बात करें, जो मैथ जिनको क्या होता है, एल्केन्स होता है ना, एल्केन्स की जो फैमिली होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, मैथ जो होता है, मैथ प्लस एन, तो ये हो जाएगा हमारा मिथेन। क्लियर बात बच्चे, मिथेन हो गया। अब मिथेन जो हो गया तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या निकलेगा बच्चे, देखो जनरल फॉर्मूला CnH2O2 है। ठीक है, कार्बन कितने होते हैं मिथेन में, ओनली वन कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्बन जब वन होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे, 2 × 1 + 2, यानी हो गया हमारा मिथेन का फॉर्मूला हो गया CH4 हो गया। ठीक है बच्चे, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो गया, ऑब्वियसली बात जनरल फॉर्मूला से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चे एल्केन्स की, तो एल्केन्स के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, क्या बताई थी, कि एल्केन्स और एल्काइन्स बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो हमारा मीथेन फॉर्मेशन नहीं होता। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है, मीथेन फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चे एल्केन्स में कार्बन, बच्चे देखो डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो रिक्वायरमेंट होंगे ना, है ना, तभी तो एल्केन्स बनेंगे। तो यानी कि हमारे पास एक ही कार्बन है तो यहाँ पर मिथेन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें मिथाइन की, तो मिथाइन फॉर्मेशन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इन दोनों केस में मिनिमम 2 कार्बन रिक्वायर होते हैं। आपको ये सारे क्या है, जनरल फॉर्मूलास हैं एल्केन्स, एल्केन्स, एल्केन्स की, इसी के बेसिस पे बाकी आप जो है किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो बच्चे, मैथ मींस 1 कार्बन, एच मींस 2 कार्बन, पॉप के लिए 3 कार्बन, बूट के लिए आपका 4 कार्बन। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं हम ब्यूट की बात करते हैं, ब्यूट, और ब्यूट का नाम क्या पड़ जाएगा बच्चे, यहां से हो जाएगा ब्यूटेन बन जाएगा ना, नोमेनक्लेचर में। ठीक है, नोमेनक्लेचर में इजीली समझिए इसको। ठीक है, बात समझ में आई, देखो ब्यूटेन हो गया, अब ब्यूटेन की बात करें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना। तो एल्केन कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे ट्वाइस ऑफ एन, यानी कि कितने कार्बन उसका, 4, 2 गुना 8 + 2, यानी कि 10 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी तरीके से जनरल फॉर्मूलाज आप जो है बाकी सब के लिए निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए बच्चे कि कार्बन सीरीज में अगर एक कार्बन होगा तो उसमें क्या लगता है, मैथ लगता है, 2 कार्बन में आपका एथ, फिर टॉप, फिर ब्यूट, फिर 5 के लिए पैंट, फिर हेक्स, हैट, ऑक्ट, नॉन टैंक, टैंक लेता है ना। तो इसके बेसिस पे आप जनरल फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं बच्चे। सपोज की हम बात करते हैं इसी की, ब्यूटीन की बात करते हैं, ब्यूटीन की अगर हम बात करें, ब्यूटीन, तो ब्यूटीन की बात करें, कार्बन तो 4 होंगे ना, अगर हम फॉर्मूले की बात करें ब्यूटीन की, तो कार्बन तो 4 होंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 टाइम्स ऑफ इसका, तो कितना होगा, 8 होंगे। क्लियर है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें क्या होगा आपका, 1, 2, 3 और 4 ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ब्यूटीन की, तो क्या होगा, 4 कार्बन होते हैं और बाकी प्लेस पे क्या करते हैं आपने, हाइड्रोजन बना रहे हैं। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे बच्चे, 3 इसको चाहिए, हो गया सर कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, इसको 1 and 2, 1, ठीक है, इसका भी 1 and 2, इसका 1, 2 and, बात समझ में आई है, कार्बन कितने 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो इसी तरीके से बच्चे आप किसी भी, है ना, किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड या किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, ओके, यहाँ पर वैल्यूज डालिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है आपने, पहले कार्बन्स लिखने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखे थे, है ना, और उसकी बॉन्डिंग्स को बताने के लिए क्या करना है आपने,
हाइड्रोजन को अटैच कर देना है ताकि जो है कार्बन अपने टेट्रावेलेंसी जो है को फॉलो कर सके। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ओके, तो ये आप लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते नोट कर लीजिए। मैथ है ब्यूट, जब आपका 10 कार्बन की चेन होगी तो उसमें टैक होता है, ठीक है। अगर सिंगल बोन होता है एम्स लग जाएगा, उसमें डबल बोन की इंस लग जाएगा, ट्रिपल बोन की आइंस लग जाएगा। और दूसरी बात, अच्छे मिथिन और मिथाइन फॉर्मेशन नहीं होते हैं, बिकॉज डबल बोन ट्रिपल बोन फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो है हाइड्रोकार्बन बनते हैं जो हमारे एल्किन्स अल्काइन्स वाले, उसमें मिथिन और मिथाइन फॉर्मेशन नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें से क्वेश्चन पुट अप होगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए आइसोमर जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो आपकी सीबीएसई में मेंशन है क्लास 10th में, हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा हम स्टडी नहीं करेंगे। बाकी जो स्टडी आप करेंगे बड़ी हायर क्लासेस में, आप जब जाएंगे 11th-12th में आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप आइसोमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, ओके। तो हम स्टडी करते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चे, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमर्स बेसिकली जो डेफिनेशन की बात करें, द कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, केमिकल फॉर्मूला के बारे में भी हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, या उनको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके स्टूडेंट्स, यह हम कह सकते हैं उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह सकते हैं, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। देखिए बच्चे, क्या डेफिनेशन कहता है, वो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बस हमें यही पढ़ना था, 10th क्लास में यही पढ़ना है। एग्जाम्पल के बेसिस पर हम आपको बताते हैं कैसे होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक ब्यूटेन लिया, है ना। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला हमें पता है C4H10 है, ओके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें, स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, देखो बच्चे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो पहले हम इससे एक चीज ध्यान रखें, पहले कार्बन को हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर कार्बन 1, 2, 3 and 4, क्लियर बात होगी बच्चे। कार्बन के 4 ने बॉन्डिंग बना दी, ठीक है। बाकी इस कार्बन ने ऑलरेडी जो है बच्चे एक बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बॉन्ड्स और बनाएगा, ऑब्वियसली बात है 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, तो इसका तो बच्चे ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका टेट्रावेलेंसी होगी। यहाँ पर बच्चे कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना चुका है, 2 और बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होगा और यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बनाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे, तो ये जो स्ट्रक्चर था बेसिकली ये हो गया आपका, एक स्ट्रक्चर हो गया किसका, C4H10 का केमिकल फॉर्मूला था ब्यूटेन का, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं जिसमें हम लॉन्ग चेन्स की बात करते हैं बच्चे, ऐसे जिसमें कार्बन जो इस तरीके से स्ट्रेट चेन्स की फॉर्मेशन में, इनको हम कहते हैं चेन, है ना बच्चे। ऐसे 4 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन, इस तरीके से अपने चेन्स बनाते जा रहे हैं, और उसके बाद उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसके टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन को अटैच करते हैं बाकी जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं जिससे हाइड्रोकार्बन हमारा बन जाता है, ठीक है। इनको हम बेसिकली कहते हैं चेन फॉर्मेशंस कहते हैं, ये हमारी क्या चेन की फॉर्म होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, देखो सिंपल सी बात है, ये हमने इस तरीके से लिखा था कार्बन को, अब ये बच्चे 4 कार्बन से, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको हम इस तरीके से, है ना। देखो बच्चे, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया हमारा, दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या कार्बन को हमने इस तरीके से टेस्ट किया। अब देखिए बच्चे, क्या ये कार्बन कितने एटम के साथ टेस्ट है, ओनली 1 एटम के साथ, तो बाकी जो आप हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी किसके साथ है, 3 के साथ है, तो यहां पर कितना हाइड्रोजन आएंगे, ओनली 1, और यहां पर कितना आएंगे, 1, 2 and 3, यहां पर कितना आएंगे, 1, 2 and 3, क्यों है यहाँ पर ना बच्चे, ऑलरेडी एक ही बॉन्ड बना गए, क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखिए कंपैरिजन कीजिए बच्चे, इसमें कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, और हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ये फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ये बन गया एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बच्चे, कार्बन कितने, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। तो बच्चे देखो क्या बात समझ में यहां से आपको, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या था, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया ब्यूटेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बच्चे हुआ क्या, जो ब्यूटेन था उसका फॉर्मूला क्या था, C4H10 था, उसको हमने चेन की फॉर्म में भी लिखा और दूसरी हमने ब्रांचेस की फॉर्म में लिखा। ब्रांचेस ऐसे कह रहा, ब्रांच ब्रांच बच्चे देखेंगे अपने, है ना। तो यानी कि कार्बन को हम ब्रांच की फॉर्म में भी ले सकते हैं, कार्बन हाइड्रोकार्बन को हम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या हो गया बच्चे, इन दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया लेकिन फॉर्मूला क्या रह गया, सेम रह गया। क्या बच्चे बात समझ पा रही? वेरी नाइस, बात समझ में क्या है कि नहीं? देखो ना, ठीक है, सेम फॉर्मूला और स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया, एक चेन की फॉर्म में, एक आपकी ब्रांचेस की फॉर्म में। क्लियर बात समझ में आ गई? एक और बात बच्चे बतानी थी आपको कि आइसोमर्स में स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट होते हैं, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, दूसरी बात ये होती है उनका जो नेम होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, उनका जो नेम है बच्चे देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पर 4 कार्बन हमारे इस तरीके से अटैच है और यहाँ पर 4 कार्बन हमारे इस तरीके से अटैच है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसका जो नेम होगा वो भी चेंज रहेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी चेंज रहेगी, है ना, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना बच्चे? ओके, तो ये बात होती है इसकी। ठीक है, अगर हम बच्चे देखो सिंपल सी बात, आइसोमर्स में बेसिकली होता है केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के साथ साथ उस पार्टिकुलर कंपाउंड का जो नेम है वो भी चेंज होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वो होते हैं बेसिकली आइसोमर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आइसोमर्स तो पढ़ लिए हैं, आइसोमर्स की अगर हम बच्चे देखो, अगर आपको कोई डाउट लगता है आइसोमर्स में तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़े साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, बात करें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए बच्चे, जिन्हें हम रिंग्स भी कहते हैं, रिंग्स की फॉर्मेशन भी हम कहते हैं। देखिए देखिए बच्चे, एक जो कार्बन है, एक कार्बन जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, वो बच्चे रिंग फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, और दो भी जो है रिंग फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या, देखो ट्राइंगल बनाते हैं ना, ट्राइंगल तो लाइन तो बनती है बच्चे, लेकिन क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए एक हमें कम से कम 3 जो है ना, 3 वर्टिसेस यानी कि 3 कॉर्नर्स की जरूरत पड़ती है ना, 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर बात करें बच्चे इस ट्राइंगल की, हम बात करें ट्राइंगल्स की बात करें बच्चे, क्लोज फिगर है ये, साइक्लिक का हो गया हमारा। लेकिन अगर हम जिस पोजीशन में हमारा बच्चे वर्टेक्स है वहां पर हम कार्बन लगा देंगे, ठीक है, जिस वर्टेक्स पे हमारा वर्टेक्स पर हमने कार्बन रखे बन गया, हमारा ट्राइंगल फॉर्म बन गया। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, कार्बन यहां पर 2 बोन बना रहा है, एक कार्बन जो 2 बोन बना रहा है, बाकी जो बचे वहां पर हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन अटैच करते हैं। यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो कलर बच्चे हमने सिमिलरली इसको हमने, ठीक है, ओके, यानी जो क्लोज्ड फिगर्स की फॉर्म में अगर हमारे कार्बन एटम्स अटैच्ड है, हाइड्रोकार्बन बने हुए हैं, उनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जहां पर वर्टेक्स में क्या होते हैं, बेसिकली हमारे कार्बन होते हैं और उनकी बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं ना। तो ये बच्चे आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और सिंगल बॉन्ड्स वाले भी हो सकते हैं। तो इसका नाम बच्चे अगर हम बात करें, नेम की बात करें, कार्बन कितने बेसिकली से 3 कार्बन से, हाइड्रोजन कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन हो गए। इधर बात समझ में आ गई? अगर हम बात करते हैं बच्चे, देखो हम बात करते हैं ट्राइंगल की, अब हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो इसको भी बच्चे हम ले सकते हैं किस तरीके से। देखो ये साइक्लिक हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। तो बाकी जो आपका हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा बन गया क्या, कितने कार्बन इसमें बच्चे, 4 कार्बन से, हाइड्रोजन कितना 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये हमारा हाइड्रोजन। क्लियर बात बच्चे? इन्हें हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिंग फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? इतना ठीक है, समझ में आ गया है ना। देखो बच्चे, अगर नेम की बात करें तो बच्चे हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इनकी नाम की बात करें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इनका क्या नाम है, साइक्लो, साइक्लिक फॉर्म है तो हम लिखेंगे साइक्लो। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में साइक्लो लिखेंगे, और कितने कार्बन अटैच्ड हैं और कौन सा हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, कौन सी फैमिली में आता है, एल्केन्स फैमिली का है ना, तो साइक्लो कितने कार्बन, 3, तो प्रोपेन होता है।
साइक्लोप्रोपेन, और उसका नाम क्या होगा बच्चे, कितने कार्बन है यहाँ पर, चार है, तो क्या होगा साइक्लो तो लगेगा लगेगा और ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे, है ना। चलिए इसी तरीके से बच्चे आप रिंग्स बना सकते हैं पांच कार्बन से, छह कार्बन से, सात आठ नौ दस, ठीक है। एक हम लेके चलते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है, जो आपकी बुक में भी देखे हैं और इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन आपको पता है इस तरीके से होगी, इसकी इस तरीके से हेक्सेन होता है आपका साइक्लो, है ना। तो उसका हम कार्बन की फॉर्म लिखेंगे, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन एंड सिक्स कार्बन, हो गए सिक्स कार्बन का टेस्ट। अब हाइड्रोजन कितने वाले बनेंगे यहाँ पर, वन एंड टू, क्योंकि ऑलरेडी दो बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर भी वन एंड टू, यहाँ पर भी वन एंड टू। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी सिक्स एच ट्वेल्व, और इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेन नाम है, सॉरी यहाँ पर भी है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर दोनों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, बच्चे मुझे बताओ कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मैंने बताया आपको, है ना। तो सिंगल बॉन्ड बच्चों ऑब्वियसली बात है, तो कार्बन कार्बन के बीच में बात कर रहा है या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बात कर रहा है, तो काउंट कीजिए कितने हैं इसमें सिंगल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हो गए कार्बन कार्बन के बीच में, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स है बच्चे, सिक्स सिंगल बॉन्ड है, है ना। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं बच्चे आपके, ट्वेल्व सिंगल बॉन्ड्स है, टोटल कितने हुए, एटीन सिंगल बॉन्ड्स हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो साइक्लोहेक्सेन में बेसिकली 18 सिंगल बॉन्ड्स है। इसी तरीके से आप बाकी जो है साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं बच्चे सिंगल बॉन्ड वाले हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बताएंगे बेंजीन का, बेंजीन रिंग का, इसको मिटा दें हम, जैसे हम बात करते हैं बच्चे बेंजीन का, बेंजीन जो है इंपॉर्टेंट भी है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगरी में आते हैं, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन में बेसिकली होते हैं तीन डबल बॉन्ड, कैसे होते हैं बेंजीन, ऐसी होती है एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे बच्चे स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखते हैं हम, देखो बच्चे यहां पर क्या होगा, कार्बन डस्ट जुड़ा होगा हमारा कॉर्नर्स में, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे, है ना। ये डबल बॉन्ड का साइन है बच्चे, आपको बताया ना डबल बॉन्ड, ठीक है क्लियर बात होगी। ओके अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना अटैच होंगे हर एक कार्बन, देखो इस कार्बन ने दो बॉन्ड यहां से बना रखा है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, एक यहां बना रखा है, तो बचे कितना, एक बॉन्ड बचा, तो वहां पर हाइड्रोजन। सिमिलरली इसने भी कर रखा बच्चे, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया इसका बेंजीन रिंग होगी, इसे क्या कहते हैं बेंजीन रिंग कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, कितने कार्बन है, छह कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी सिक्स है, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें हमारे सिक्स कार्बन से है और सिक्स हमारे क्या हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ इसमें डबल बॉन्ड कितने, तो कितने डबल बॉन्ड है, वन टू एंड थ्री, कितने डबल बॉन्ड है, थ्री डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स में हम कह सकते हैं। अगर कहा जाए सिंगल बॉन्ड कितने, तो आप क्या बताएंगे, देखो सिंगल बॉन्ड आपको पता है सिंपल सी बात है, देखो बच्चे सिक्स कार्बन है तो सिक्स कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होने, देखो ये डबल बॉन्ड तो है ना, डबल बॉन्ड के साथ साथ एक जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन, देखो बच्चे कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे, कितने सिंगल बॉन्ड है, एक तो यहां हो गया बच्चे, एक ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आपको हो गया सर एक तो डबल बॉन्ड है ना। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जहां पर डबल बॉन्ड होता है ना उसमें बेसिकली एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात देखो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, इसमें हम बच्चे इसको सिंगल बॉन्ड भी काउंट करते हैं इसको, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड में काउंट करेंगे, कितने सिंगल बॉन्ड हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमारे सिक्स सिंगल बॉन्ड हो गए,
है ना। और कार्बन हाइड्रोजन कितना हो गया, वो भी 6 हमारे हो गए, और टोटल हमारे पास 12 सिंगल बॉन्ड हो गए स्टूडेंट्स। तो बेंजीन में बेसिकली हमारे क्या हो गए, 3 डबल बॉन्ड्स हो गए और टोटल जो है 12 सिंगल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, कंफ्यूज मत हो बच्चे, देखो आपको शायद ये समझ नहीं आया कि भाई ये डबल डबल बॉन्ड है तो सिंगल किस बेसिस पे होगा, है ना। देखो बच्चे सिंपल सी बात है, जब हम बेंजीन रिंग फॉर्मेशन करते हैं ना, तो पहले हमारा सिंगल बॉन्ड हम बनाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, ओके ठीक है। और फिर जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड का बनता है जो हमने बना रखा है, इसके बारे में आप जो आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, 11th क्लास में, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आप हर एक टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं आता है समझ तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर अच्छी लगती वीडियो, अगर आपको पसंद आता, समझ आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ओके। और वीडियो को पूरा देखिए, आप बीच बीच में छोड़ के ना देखें, नहीं तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और होमोलोगस रिंग्स के बारे में। टिल दैट टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक यू।